हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आईटीआई एनसीवीटी का रिजल्ट आ गया है और बहुत से कैंडिडेट के जीमेल पर भी रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, आईटीआई फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों कैंडिडेट का, ठीक है, रिजल्ट आया है। यहाँ पे सर्वर प्रॉब्लम होने के बाद आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है, इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे, तो आप वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। मैं यहाँ पे एक ऐसा ट्रिक आप लोगों को बताने वाला हूँ जिससे आप लोगों के जीमेल पर भी रिजल्ट नहीं आया ना, तो आप ऑफिशियली वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आपको ये नियम फॉलो करने होंगे, आप सर्वर प्रॉब्लम के बाद भी आप रिजल्ट को चेक कर पाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले आप लोग रिजल्ट अपना सबसे पहले यहाँ पे खोल कर देखेंगे एनसीवीटी, जो कि आप लोगों का ये वेबसाइट चल ही नहीं रहा है। मैं यहाँ पे एनसीवीटी खोल ले रहा हूँ, देखिए ये सर्वर वाली प्रॉब्लम आएगी, ये प्रॉब्लम आप लोगों का आएगा। ठीक है, तो खुल नहीं रहा है, तो क्या है तरीका, कैसे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, कैसे अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे? तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना जीमेल ओपन करना होगा। जीमेल ओपन करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए, बहुत से कैंडिडेट का जीमेल पे आ चुका है, बहुत से लोगों का। आप देखिए 14 अगस्त है ना, 13 अगस्त को रिजल्ट आया था बहुत से लोगों को जीमेल पे, उनका सुबह में भेजा गया था, बहुत से कैंडिडेट का रिजल्ट जो है शाम में भेजा गया था। तो यहाँ अगर देखेंगे एक कैंडिडेट का, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ जीमेल पे भी चेक करने का तरीका है। नॉर्मली आप लोग जीमेल खोल रहे हैं, देखिए मैं यहाँ पे नॉर्मली आप लोग क्या कर रहे हैं, जीमेल खोल रहे हैं ना, ये जीमेल खुल गया। अब देखेंगे यहाँ पे रिजल्ट नहीं आया, ये कोई राहुल कुमार जी भेजे हुए हैं, हेलो सर मेरा रिजल्ट चेक कर दीजिए। ठीक है, तो आप लोग जीमेल पे आके चेक करेंगे ना, देखिए मैं नीचे तक जा रहा हूँ, कहीं रिजल्ट नहीं आ रहा है। 1 अगस्त का ही है टोटल, 10 अगस्त 9 अगस्त, ठीक है, कोई रिजल्ट यहाँ पे आपको नहीं आएगा। देखिए मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, 9 अगस्त 10 अगस्त दिखाई दे रहा है, जबकि रिजल्ट कितने तारीख को भेजा गया है, 13 अगस्त को। मैं यहाँ पे रिफ्रेश भी कर रहा हूँ तो भी रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो जीमेल पे भी चेक करने का तरीका है, वो तरीका देखिए, आप लोग सबसे पहले अपना जीमेल खोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखते हुए आप लोग नीचे की तरफ आएंगे, कहीं आपका रिजल्ट दिखाई नहीं देगा। देखिए मैं यहाँ पे नीचे तक तो रिजल्ट देख लिया, कहीं नहीं। तो अब आपको क्या करना है, मोर वाले, देखिए तीन डॉटेड लाइन पे आप लोगों का होगा मोबाइल में, क्लिक करिएगा, मोबाइल में चेक कर रहे होंगे तो। और यहाँ पे आल मेल का ऑप्शन आएगा, आपको आल मेल पे चले जाना है। जब आप आल मेल पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 9:28 यानी कि आज ही आया हुआ है BDL रिक्रूटमेंट, जॉब नोटिफिकेशन भेजा हुआ है BDL रिक्रूटमेंट। देखिए कुछ कंपनियां जो हमें डायरेक्टली भेजती रहती हैं, तो अगर आप ITI किए हैं तो एक अपडेट है आप लोगों के लिए। देखिए ये कंपनी जो भेजी है ना, ये BDL की रिक्रूटमेंट आया है, तो ये डिटेल मुझे अपनी वेबसाइट पे डालना पड़ेगा, इसके लिए वो भेजी है। तो आपको क्या करना है, successcareer.co.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे आकर आप यहाँ पे ज्वाइन टेलीग्राम पे क्लिक करके यहाँ पे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 13,000 से अधिक कैंडिडेट हैं, 13,016 कैंडिडेट हो चुके हैं जो कि ITI के हैं, उनको डायरेक्टली जॉब की अपडेट इस टेलीग्राम चैनल में मिलता रहता है। तो अब आपको अपने जीमेल पे खोज लेना है, तो हम लोग चलते हैं रिजल्ट पे। देखिए 9:28, 9:20, 11:53, और मैं जैसे कि बोल रहा हूँ आपका रिजल्ट 13 अगस्त को 14 अगस्त में आप लोग चेक करना है। तो यहाँ देखिए 13 अगस्त 14 अगस्त भी दिखाई देने लगा, अगर मैं इधर मैं मुझसे वो हट जा रहा है तो मैं थोड़ा साइड हट जा रहा हूँ। देखिए अब आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ना, अब चलिए यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये 13 अगस्त के सब आए हुए हैं। तो अब आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखिए 13 अगस्त को ये आया हुआ है नो रिप्लाई DGET, ये आया हुआ है ना CTS रिजल्ट ऑफ CTS AITT July 2023। बहुत से कैंडिडेट रिजल्ट अपना चेक नहीं कर पा रहे हैं ना, यानी कि जीमेल पे जाकर वो जीमेल पे डायरेक्टली ऐसे जा रहे हैं और जाके चेक कर रहे हैं तो उनको रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो कैसे चेक करना है, आल मेल में जाकर आल मेल पे यहाँ पे क्लिक करिएगा। आल मेल पे क्लिक करने के बाद आप नीचे की तरफ देखेंगे तो 13 अगस्त और 14 अगस्त में दो दिन देखिएगा, आपका रिजल्ट आया होगा, जीमेल पे आया होगा तो आ गया होगा, अदरवाइज धीरे धीरे रिजल्ट भेजा जा रहा है। तो टोटल मान के चलिए कि लगभग 16 से 18 लाख कैंडिडेट पर साल ITI करते हैं, तो इस बार भी इतने ही होंगे। उन सबको बारी बारी से भेज पाना एक ही बार में मुश्किल है, तो बारी बारी से किसी को सुबह भेजा गया, किसी को शाम में भेजा गया। यह रिजल्ट देखिए 13 अगस्त को, देखिए यानी संडे 13 अगस्त को यह रिजल्ट भेजा गया है 3:52 PM पे, यानी कि 3:30 शाम में यह रिजल्ट भेजा गया है। देखिए आज अभी से 18 घंटा पहले, यानी कि अभी से 18 घंटा, यानी कि सुबह के 9:30 बज रहे हैं, इसके 18 घंटे पहले यानी कि कल शाम में 13 अगस्त को भेजा गया था। मैं 14 अगस्त को ये वीडियो भेजा बना रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कांग्रेचुलेशन डियर MD शादाब, यू हैव पास CTS AITT 2023 एग्जाम एंड रिजल्ट इज फॉलो, ये रिजल्ट बना हुआ है 600 में।
572 नंबर आया हुआ है। कॉन्वोकेशन डे के दिन ये आईटीआई मार्कशीट और सर्टिफिकेट मिलेगा आईटीआई पे, तो आप लोग अपने आईटीआई पे जाकर मार्कशीट सर्टिफिकेट। अब देखिए मैं ऐसा तरीका बता रहा हूं, जैसे कि आप लोगों को जीमेल पे रिजल्ट नहीं आया है तो आप लोग ऑनलाइन कैसे चेक करेंगे, आपका बहुत ज्यादा सर्वर प्रॉब्लम आ रही है ना, सर्वर ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, तो ऐसे में आप लोग कैसे चेक करेंगे, चलिए मैं बताता हूं। सबसे पहले आप लोग कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा, जैसा कि मैं यहाँ पे एक ब्राउजर ओपन कर लिया हूँ, ठीक है। अब ब्राउजर ओपन के बाद आपको क्या करना है, successcareer.co.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है और सबसे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रिजल्ट वाले सेक्शन में आना है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा आईटीआई रिजल्ट 2023 चेक हेयर डायरेक्ट लिंक, ठीक है। यहाँ मैंने 3 रिजल्ट प्रोवाइड किया है, आप किसी एक पे चले जाइएगा, चेक डायरेक्ट लिंक वाले पे चले जाइएगा। अब यहाँ पे रिजल्ट डायरेक्ट लिंक में जाएंगे ना तो आपको नीचे की तरफ चले आना है, बिल्कुल नीचे तरफ चले आइएगा। यहाँ पे देखिए मैं हाउ टू डाउनलोड आईटीआई टिकट है ना, एडमिट कार्ड, तो वो तरीका है। यहाँ पे मार्कशीट के लिए यहाँ पे आईटीआई चेक आईटीआई रिजल्ट 2023 डायरेक्ट लिंक मैंने प्रोवाइड किया है, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे ये लोडिंग लेगा, लोडिंग लेके आपका देखिए अभी सर्वर प्रॉब्लम है, फिर से आपको यहीं पे क्लिक करते रहना है। जैसे ही क्लिक करते रहेंगे ना आपको एक रिजल्ट वाले सेक्शन पे चले जाएगा, देखिए फिर से सर्वर प्रॉब्लम, फिर आप सबको क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपको करना पड़ेगा, देखिए ये आपका कब ओपन होगा, देखिए यहाँ पे सर्वर प्रॉब्लम है, सर्वर प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ भी सर्वर प्रॉब्लम। तो एक ही तरीका है, सबसे पहले आपको अपना नेट की स्पीड चेक करनी होगी, जो कि आप अपने मोबाइल से चेक करेंगे तो ये ऑफिशियल जो एनसीवीटी पे जाकर अभी नहीं चेक कर पाएंगे। ये आप जैसे ही सर्वर डाउन होगा ना, यानी जैसे जैसे अपना रिजल्ट देखने जाएंगे, लोग यहाँ से हटते जाएंगे तो आप रिजल्ट चेक कर पाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले स्पीड चेक करनी होगी। मैं यहाँ पे BSNL फाइबर से अपना नेट चला रहा हूँ, जो कि यहाँ पे देखेंगे मेरी स्पीड कितना ज्यादा है, 70 Mbps, 68 Mbps, यानी कि 68 MB/s मुझे मिल रहा है, तो मैं ये रिजल्ट चेक कर पाऊंगा। तो आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो आप इस वाले चेक सेक्शन पे चले जाएंगे, जहां पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, R लगाकर अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा, रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही है, 00 करके लिखा होगा, 00218090 ऐसे करके आपका लिखा होगा, तो 00 हटाकर R डालिएगा। यहाँ पे एग्जाम सिस्टम में एनुअल डालिएगा और यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट एनुअल में फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, जिसका भी रिजल्ट चेक करना है आपको फाइनली पे सर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपका रिजल्ट कुछ इस प्रकार ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा, देखिए ncbt.gov.in पे। लेकिन इसके लिए आपको चेक करने के लिए सर्वर काफी ज्यादा हाई होना चाहिए, यानी कि आपका स्पीड काफी हाई होना चाहिए। मोबाइल में चेक करेंगे तो नहीं खुलेगा, बहुत परेशान रहेंगे, नहीं खुलेगा, ठीक है। तो ये है, आप मोबाइल में खोलना चाह रहे हैं तो 2 दिन बाद खोल लीजिए, या आपको लगना पड़ेगा कहीं ऐसे जगह पे चले जाइए जहां पे नेटवर्क आपका बिल्कुल सही पकड़े। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे अब आ जाएगा सेम वही रिजल्ट जो यहाँ पे भेजा गया था ना जीमेल पे, देखिए 600 में 572 नंबर आया हुआ है। ट्रेड थ्योरी में यहाँ पे देखें 100 में 86, जो कि जीमेल पे भी सेम नंबर भेजा गया था, 100 में से 86 नंबर, ठीक है। तो सेम रिजल्ट जीमेल और यहाँ पे भी आप लोग, अब क्या करना होगा इसको, अब आपको प्रिंट करना होगा। ये देखिए यहाँ पे रिजल्ट डेट जो है 19 अगस्त दिखा दे रहा है, जो कि गलत है, आज 14 अगस्त है, इसको अभी अपडेट करेगा। जिन कैंडिडेट का रिजल्ट आ चुका है वो क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी यहाँ पे बोला गया है 17 सितंबर को, यानी 2023 को कन्वोकेशन डे रखा गया है, वो जाकर अपनी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आईटीआई से ले पाएंगे। यहाँ भी देखिए लिखा हुआ है कन्वोकेशन ऑन सितंबर 17, 2023, ठीक है, रखा गया है, इसी दिन आप लोग ले पाएंगे। इससे पहले अगर रिजल्ट में कोई दिक्कत है, जैसे आपको थ्योरी में, इम्प्लायबिलिटी स्किल में, ट्रेड प्रैक्टिकल में, फॉर्मेटिव असेसमेंट में कम नंबर मिला है, तो यहाँ रेज ग्रीवेंस का ऑप्शन दिया हुआ है। रेज ग्रीवेंस में अभी नहीं करूंगा, आप सभी लोग पहले रिजल्ट देख लीजिए, अगर नंबर कम आया होगा तो कैसे ग्रीवेंस करना है, कैसे आप लोग को शिकायत करना है कि आपको नंबर कम मिला है, कैसे, तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो ठीक है, ये तरीका है, आपकी स्पीड देखिए 68 MB/s, मैं एक बार यहाँ पे आप लोग को फिर से रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। देखिए मेरी स्पीड काफी ज्यादा तेज है, तो मैं यहाँ पे रिजल्ट चेक कर पा रहा हूँ। अगर आपका इससे सर्वर डाउन होगा ना, कम होगा आपका, तो नहीं चेक कर पाएंगे। देखिए अभी 67 MB/s के हिसाब से चल रहा है, तो मैं यहाँ रिजल्ट चेक कर पा रहा हूँ। तो ये अपडेट था, ये प्रोसेस है आपको चेक करने का, इन तरीकों को अपनाइए, आप लोग रिजल्ट देख पाएंगे। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका रिजल्ट कितना आया है ना। आज के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय।